ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं तो हमें लंगर प्रसाद दिया जाता है। बहुत सी संगत जो पहली बार बड़े मंदिर जाती है तो ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि जिनको हम जानते नहीं उनके साथ हमें लंगर प्रसाद खाने को दिया जाता है। ज्यादातर एक प्लेट में चार संगत लंगर ग्रहण करते हैं। आइए इस सत्संग में हम इसके पीछे का कारण जानते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि गुरुजी के मंदिर में मिलने वाला केवल लंगर नहीं प्रसाद भी है, मतलब हमें वो एक प्रसाद की तरह मंदिर में मिलता है जिससे हमारा, हमारे परिवार वालों का और दूसरों का भी कल्याण होता है। मंदिर में आने वाले सभी संगत गुरुजी के परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए आप सब चाहे एक दूसरे से अनजान हो लेकिन उसी परिवार के हिस्से हो, इसलिए वहाँ बिना किसी भेदभाव के लंगर प्रसाद दिया जाता है और सबको मिलकर खाने को कहा जाता है, जिससे ना भोजन बर्बाद होगा और लोग उतना ही लंगर प्रसाद लेंगे जितनी उनको आवश्यकता होगी। वो लंगर प्रसाद गुरुजी का आशीर्वाद होता है जिसमें बड़े से बड़े रोग को सही करने की शक्ति होती है, उसमें गुरुजी का आशीर्वाद मिला होता है। इसलिए बिना किसी जात पात को देखे सबको एक साथ लंगर प्रसाद खाने को कहा जाता है और संगत जी से प्रार्थना की जाती है कि लंगर प्रसाद को बचाए नहीं, उसे पूरा खत्म करें। जितना वो ज्यादा आपके शरीर में जाएगा आपको उससे उतना ही फायदा होगा और प्रसाद खराब होने से भी बच जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।